नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओप्पो A79 5G मोबाइल में स्मार्ट कॉल सेटिंग को कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों स्मार्ट कॉल सेटिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर मिलते हैं जिनको आप यूज करोगे तो बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने फ़ोन को यूज कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्मार्ट कॉल के अंदर फीचर आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है, फ़ोन की सेटिंग ऐप को ओपन करना है और ओपन करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपसे मिलेगा एडिशनल सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन मिल रहा है गेस्चर एंड मोशन, आपको गेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ देख पा रहे हो ये ऑप्शन दिए गए आपके स्मार्ट कॉल के अंदर जो फीचर्स आते हैं। अब यहाँ पर रेज टू वेक, ये तो चलो स्मार्ट कॉल के अंदर नहीं लेकिन स्मार्ट स्क्रीन ऑन में ये फीचर काम आता है। तो इसको ऑन करने से क्या होगा कि जब भी आपका फ़ोन रखा होगा, आप जैसे ही फ़ोन को हाथ में लोगे तो आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। उसके बाद लिफ्ट टू ईयर आंसर, इसको इसका क्या मतलब है, इसको अलाउ करेंगे। इसके बाद इससे क्या होगा कि जैसे ही आपके पास कोई कॉल आएगी और आप अपने फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपके फ़ोन में जो कॉल आ रही है वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी, आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है ऑटो स्विच टू रिसीवर, इसका क्या मतलब है गाइस, अगर आप हैंड्स फ्री पे बात कर रहे हैं और जैसे ही आप अपने फ़ोन को कान के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके कान के पास जो स्पीकर होता है उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, इसका क्या मतलब है, जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी रिंग बज रही होगी और अपने फ़ोन को आप यहाँ पर जो है फ्लिप कर देते हो, उल्टा कर देते हो, तो आपके फ़ोन की जो रिंग टोन है वो साइलेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये फीचर सारे के सारे स्मार्ट कॉल के अंदर आते हैं, आप इन सभी को यूज़ करके बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी कॉल को कर सकते हो। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी फीचर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।